मध्य प्रदेश के मनावर में अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का जमकर डंडा चला। प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से शासकीय जमीन से अतिक्रमण हटवाया, जिससे भूमाफियों में हड़कंप मच गया है। एसडीएम ने बताया कि 35 कॉलोनियां अवैध हैं, जिनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लोगों से दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, अगर वो दस्तावेज प्रस्तुत ना करते तो प्रशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जानकारी के अनुसार शासकीय जमीन पर एक कॉलोनाइजर ने कब्जा किया हुआ था, जिस पर कार्यवाही करते हुए मनावर राजस्व अनुविभागीय अधिकारी सत्यनारायण दर्रो ने तहसीलदार व पटवारियों के साथ दो कॉलोनियों से शासकीय भूमि पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण हटवाया है। एसडीएम ने कहा कि अभी दस्तावेज मंगवाए गए हैं, अगर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते तो फिर कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। धार से जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। आज मनावर में कार्रवाई करने का मौका मिला, अवसर मिला आपको, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की और कितनी कॉलोनी अवैध है यहाँ पे? अभी हमारी प्रारंभिक जानकारी में लगभग 35 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिस पे हमारे अवैध गतिविधियाँ हैं, उसमें हमने बाकायदा नोटिस जारी किया है और उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं और उसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और अभी वर्तमान में जो आप ये देख रहे हैं, ये एक शासकीय भूमि है 15 सर्वे नंबर, जिसमें एक बीघा जमीन एक कॉलोनाइजर द्वारा अपने कॉलोनी में लिया गया था, जिसको हमने हटाकर शासन पक्ष में कब्जा लिया है। कॉलोनाइजर कौन है सर, उसका नाम? चूँकि कॉलोनाइजर इसमें लिखा पढ़ी में कहीं भी नहीं है, जो बताए जा रहे हैं उसके हिसाब से अमित शर्मा का बताए जा रहे हैं। और चूँकि अभी इसमें कहीं दस्तावेज नहीं है, हमने दस्तावेज मंगाए हैं, दस्तावेज के उपरांत इसमें नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सरकारी जमीन पर प्लाट बिक चुके हैं? अभी तो इस संबंध में कुछ बता नहीं पाऊंगा, चूँकि कागज नहीं है। अगर ऐसी होगी तो डेफिनेट उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।